नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। इस सेशन में क्या है खास, जैसा कि आप सबको विदित है कि एक जो ऑनलाइन सीरीज है, अभी हम उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं आपकी सुविधा अनुसार। कृषि से संबंधित, ब्यूटी सेक्टर से संबंधित, एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित, अलग अलग सेक्टर से कुछ एक खास चीज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। बतौर खास इस सेशन में क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। वोकेशनल सेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑनलाइन सीरीज मीट दी ऑथर, इस थीम का नाम है जिसके तहत आप सभी हमसे जुड़ते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लोरिकल्चरिस्ट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यानी फूलों की खेती के बारे में फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। लेकिन हाँ, ये जो लाइव सेशन जा रहा है वो 9 to 12 प्रधानमंत्री विद्या चैनल के जो 9 से 12 चैनल है सब पर इसका लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। बतौर खास क्लास 12 के लिए इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर देखें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, 8800449। डू कॉल एंड डू आस्क योर क्वेरीज इफ़ यू हैव इन योर माइंड्स। वी विल ट्राई टू सॉर्ट दिस आउट विद द हेल्प ऑफ आर एक्सपर्ट हु हैज़ ऑलरेडी बीन जॉइंड अस थ्रू वर्चुअल। क्लास 12 के लिए ईमेल आईडी भी है, यes, यहाँ पर भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं, dts.class12@cit.nic.in। And of course, to watch this program live, as I told you earlier, you can get back to us. You can catch us on PM Evidya channel number 12 from 9 to 12, any of the channel you can tune in. And of course, on NCERT official YouTube. It's time to introduce our expert now. He's joining us online all the way from Bhopal. Please welcome Dr. R.K. Pathak, who's a professor, Department of Agriculture and Animal Husbandry, PSS, Central Institute of Vocational Education, Bhopal. Bahut bahut swagat hai, sir, aapka. डॉक्टर पाठक, आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी आपको, और एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड सेम टू यू। काफी फूलों की माला कल हम अपने अपने घरों में लगाई है, मंदिरों में सजी है, और हम आज फूलों की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा विस्तार से सर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, सारा समय आपका है, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि अभी त्यौहार हम देख रहे हैं, दीपावली का त्यौहार था जिसमें फूलों का हमने उपयोग देखा, तो फूल एक ऐसी चीज है कि जो हर अकेजन पे यूज होते हैं, त्योहारों पे भी होते हैं, शादी और बर्थडे पार्टी हो उन फंक्शन पे भी हम करते हैं, यानी कोई भी ऐसा मौका नहीं है जहां हम फूलों का उपयोग नहीं कर सकते, और हमारे समाज में इनका बहुत ज्यादा उपयोग भी है। तो अब हमने जो पहले जो बुक पे बात करी थी वो 11th क्लास की बुक थी, क्लास 11वीं की बुक थी, फ्लोरिकल्चर, क्योंकि ऐसा जानते हैं आप लोग कि जैसे जॉब रोल होता है तो 9, 10 और 11, 12 क्लास के लिए हम लोग बनाते हैं, तो ये जो फ्लोरिकल्चरिस्ट ओपन कल्टीवेशन का जॉब रोल है ये 11th और 12th के लिए है। तो 11th के बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों से बता चुके हैं, उसके बाद थोड़ा सा एट ए ग्लांस आपको थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे जिससे ये जानकारी हो कि हमने 11th में क्या बताया था और क्लास 12th में हम क्या बताने जा रहे हैं। तो फूलों की खेती के बारे में हमने जो क्लास 11th में बताया था उसके पहले ये कैरिकुलम हम लोगों ने बनाया, आप लोगों की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे और ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल भी है, तो अपनी सुविधा के लिए, अपनी जानकारी के लिए आप इस कैरिकुलम को देख सकते हैं और इसके बारे में डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जो भी क्वेरी हो, क्योंकि ये किताब का जो निर्माण हुआ है इसी कैरिकुलम के बेस पे हुआ है, और आपको हम पहले भी बता चुके हैं जो और भी सेशन में कि जो हम कैरिकुलम का जो निर्माण करते हैं वो हमारी सेक्टर स्किल काउंसिल है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल है, वो उन्होंने क्वालिफिकेशन पैक हमें सजेस्ट किया है, उसमें डिफरेंट तरह के नॉस होते हैं, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स, उनको हम कैरिकुलम के फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं, उन्हें बनाते हैं, और लर्निंग आउटकम बेस हमने जो कैरिकुला बनाया है और उसी बेस पे हमने ये जो आप किताब देख रहे हैं क्लास 12th की बुक डेवलप की है। तो क्लास 11th की बुक में जहां तक बात है कि हमने जो इंट्रोडक्शन टू फ्लोरिकल्चर के बारे में बहुत विस्तार से बताया था, और उसमें इंट्रोडक्शन में बच्चों को ये बताया था कि इसकी फ्लोरिकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए हम उसको बार बार बताने के नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और इनका क्या क्या यूज होता है और इनका क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू फ्लोरिकल्चर, देन हमने नर्सरी मैनेजमेंट, क्योंकि वो सभी एस्पेक्ट 11th में कंप्लीट किए थे जो फ्लावर कल्टीवेशन करेंगे ओपन फील्ड में, क्योंकि जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो एक तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करते हैं जो पॉली हाउस में हम करते हैं, नेट हाउस में करते हैं, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होती है क्योंकि हम लोगों ने उस पर काम किया हुआ है, उस पर भी बुक और जॉब रोल डेवलप किया है, फ्लोरिकल्चर ओपन कल्टीवेशन एंड फ्लोरिकल्चरिस्ट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। तो हमने नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में बताया था, क्योंकि किसी भी तरह की हम क्रॉप ग्रो करते हैं, ऑर्नामेंटल क्रॉप, तो उसमें नर्सरी की बहुत ज्यादा स्थान होता है, नर्सरी में हम पौधे तैयार करते हैं, सीड की सोइंग करते हैं, और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।
और उसमें कौन कौन से मीडिया यूज करते हैं नर्सरी में, और कैसे उसकी सोइंग करते हैं, और उसको हम प्लांटिंग कैसे करते हैं फील्ड में। फिर हमने उसके बारे में बताया था कि टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में बहुत चर्चा की थी, कि क्योंकि हम जब ये फ्लावर कल्टिवेशन करते हैं तो किस तरह के हमें टूल्स एंड इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं, तो और उनका क्या यूज है, कौन कौन से इक्विपमेंट है और कहाँ से अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात फील्ड प्रिपरेशन के बारे में भी आपको बहुत विस्तार से चर्चा की गई थी, उसमें कैसे हम साइट सिलेक्शन कैसे करेंगे, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के लिए किस क्रॉप्स के लिए कैसी हमें भूमि चाहिए, जमीन कैसी चाहिए, और सॉइल का स्ट्रक्चर क्या हो, और सॉइल और उसके बाद इरिगेशन, न्यूट्रिशन, इनके बारे में भी हमने जानकारी की थी। और लास्ट में हमने जो बीमारी और आती है, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज एंड वीड डेवलपमेंट, तो खरपतवार, बीमारी और इंसेक्ट के बारे में भी हमने चर्चा कर चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं क्लास 12th की बुक के बारे में, तो इसमें जो है बेसिक चीजें हम सब बता चुके हैं आपको। अब इस बुक में हमने जो किया है, जो कल्टीवेशन का हमने जो पार्ट कवर किया है, तो कल्टीवेशन ऑफ कॉमर्शियल फ्लावर क्रॉप्स, इसमें हमने कल्टीवेशन ऑफ चाइना एस्टर, क्रिजेंथमम और ट्यूब रोज, ग्लेडुलस, कार्नेशन एंड जरबेरा, क्योंकि ऐसे तो देखा जाए तो सैकड़ों फ्लावर क्रॉप्स हैं, फूलदार जो फ्लावर हम कल्टीवेट करते हैं, लेकिन हमने उन क्रॉप्स को यहाँ कंसीडर किया है, या किताब में दिया हुआ है, जो लार्ज स्केल पे पूरे हिंदुस्तान में उगाई जाती हैं और इनका इकोनॉमिक यूज भी है। दूसरी हमने जो कल्टीवेशन की बात करी है, कल्टीवेशन ऑफ रोज, गैलाडिया, मैरीगोल्ड, जैस्मिन एंड क्रोसेंड्रा, तो ये जो क्रॉप्स हैं आप देखते हैं कि हम जब फ्लोरिस्ट की दुकान पर जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, तो इनके हमें प्लांट्स भी मिलते हैं, सीड भी अवेलेबल होते हैं, और डिफरेंट तरह के जो फ्लावर अरेंजमेंट है, और गार्डन में भी हम जाते हैं तो फ्लावर बेड देखने को मिलती है, तो इस तरह के पौधों का हमने जानकारी आपको देने का प्रयास यहाँ किया है। दूसरा ग्रोइंग ऑफ एनुअल्स के बारे में है, जो एक वर्षीय पौधे होते हैं, जो हम अभी जैसे विंटर सीजन आ रहा है, इसमें बहुत तरह के हमारे फ्लावर्स प्लांट्स अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में हमने विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे। और ग्रोइंग ऑफ पेरिनियल्स, ऐसे जो बहुवर्षीय पौधे, उसमें ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, वाइन्स हैं, जो लताएं कहते हैं, और दूसरा इंडोर प्लांट के बारे में बताएंगे, क्योंकि इंडोर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि घरों में हम पौधे हैं जहां हमारे पास स्पेस कम होता है, घर का वातावरण अच्छा रखना है, तो इंडोर प्लांट्स का बहुत महत्व है उसमें हमारा। और दूसरा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और एंड वैल्यू एडिशन के बारे में आपको बताएंगे। तो पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन के बारे में हमारा जो पर्पज होगा बताने का, कि हम फूल्स को कैसे हार्वेस्ट करते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उनकी कैसे ग्रीडिंग करते हैं, कि मार्केटिंग करते हैं, और उनका वैल्यू एडिशन का मतलब है कि फूल का उपयोग क्या है। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट गार्लैंड्स के लिए होते हैं, बुके के लिए यूज कर सकते हैं, और या डिफरेंट अरेंजमेंट में उनका यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि जैसे हम इत्र बनाते हैं, सेंट बनाते हैं, या परफ्यूम्स बनाते हैं, तो इंडस्ट्री में भी हमारा यूज होता है। इसके साथ साथ जो हमारा एक जो है यूनिट है 6, वो मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, इसमें हम जो बताने वाले हैं आपको यूज ऑफ सेफ यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स के बारे में बताएंगे आपको, और सेफ यूज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, क्योंकि जनरली क्या होते हैं, जब हम खेत में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं किसी भी जगह, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि सेफ्टी प्रिकॉशंस हो, हम पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं, किसी मशीन पे काम करते हैं, चाहे हम प्लॉइंग कर रहे हो, चाहे ट्रैक्टर पे काम कर रहे हो, और किसी मशीन पे काम कर रहे हो, तो हम उसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने जरूरी होते हैं। तो अब हम आपको वन बाई वन बताएंगे। यूनिट वन में जो हमने कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ कॉमर्शियल फ्लावर क्रॉप्स के बारे में है, तो कल्टीवेशन ऑफ चाइना एस्टर, ये आप सभी लोग जानते हैं, और ये जब हम फ्लोरिस्ट की दुकान पर जाते हैं तो हमें ये चाइना एस्टर के पौधे बुके और चीज में यूज भी होते हैं, इसमें लूज फ्लावर का भी यूज करते हैं और कट फ्लावर का। कट फ्लावर, लूज फ्लावर के बारे में आपको बता दें, कट फ्लावर वो होते हैं जिनमें स्टॉक जो है, जो फूल के साथ में उनका स्टॉक तना भी साथ में रहता है, जैसे गुलाब देखते हैं जो हम बुके में लगाते हैं, तो कट फ्लावर का यूज करते हैं। और लूज फ्लावर का जनरली हम माला बनाते हैं, बैनी बनाते हैं, या और जो यूज कर सकते हैं डेकोरेशन में, रंगोली वगैरह में यूज करते हैं, वो लूज फ्लावर का यूज कर सकते हैं। तो उसकी बहुत सी वेराइटीज है हमारी चाइना एस्टर्स की, जो हम ग्रो करते हैं, और जब हम किताब में देखेंगे तो हमने डिफरेंट तरह की वेराइटी जो डेवलप हुई है इंडिया में, और किस क्षेत्र के लिए कौन सी वेराइटी यूज है, साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, कहाँ कहाँ कौन कौन सी वेराइटी यूज करेंगे, सॉइल कल्टीवेशन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, और कलर के हिसाब से, तो उन जो प्रजातियां हैं उन वेराइटी से कैसे सिलेक्शन करेंगे। दूसरा इसका प्रपोगेशन है, तो चाइना एस्टर का प्रपोगेशन सीड्स के थ्रू होता है, जब हम क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं, सीड को कलेक्ट कर लेते हैं, या हम मार्केट सीड लेते हैं,
तो इसका कॉमर्शियली प्रोपोगेशन होता है चाइना एस्टर का, वो सीड से करते हैं। और जब हम इसे स्पेसिंग है, जब हमें घर में भी लगाना हो या हम अपने फील्ड में लगाते हैं लार्ज स्केल पे, तो हम प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस की बात करते हैं, पौधे से पौधे की दूरी, कतार से कतार की दूरी के बारे में बात करते हैं। तो 30 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर जो स्पेसिंग है वो प्लांट टू प्लांट रखते हैं, और 45 टू 45 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं हम वो रो टू रो, एक लाइन से दूसरी लाइन की रखते हैं। और मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में बता दें आपको, क्योंकि हमने 11th का जब बुक के बारे में बताया था उसमें विस्तार से चर्चा की थी कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का हम कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन से हैं जिससे हमें नाइट्रोजन मिलता है, किससे फॉस्फोरस मिलता है, और पोटास के बारे में हमने जानकारी दी थी। तो इसके बारे में जो FYM की बात है, जो पर हेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो 10 टू 15 टन, 10 से 15 टन है हम जो FYM को यूज कर सकते हैं। और जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 120 यानी 120 80 120 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, 120 kg नाइट्रोजन होगा, 80 kg फास्फोरस होगा और 120 kg पोटास होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अब ये मात्रा जो होती है ये जनरल रिकमेंडेशन है, लेकिन ये सॉइल टू सॉइल वेरी करती है। यदि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, फर्टाइल है, अच्छी सॉइल है, तो उसमें जो ये इसका मात्रा कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। तो इसके लिए हमने आपको सुझाव दिया था कि पहले हम सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, जिस फील्ड में हम कल्टीवेट करने जा रहे हैं उसकी सॉइल टेस्टिंग होती है, तो हमें सॉइल का हेल्थ स्टेटस पता लग जाता है कि इसमें हमारे पास मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है या और जो ट्रेस एलिमेंट है उनका क्या स्तर है। फिर इरीगेशन की बात करते हैं, तो इरीगेशन में भी निर्भर करता है कि आपकी जलवायु कैसी है, आप किस क्षेत्र में आप इसे पैदा कर रहे हैं। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इरिगेशन आपके पास किस तरह की अवेलेबल है, कैनाल इरिगेशन है या आपके पास ट्यूबवेल वगैरह है उससे आप सिंचाई करते हैं। और दूसरी बात सॉइल की क्वालिटी है, ऐसे सैंडी सॉइल है तो इरीगेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हैवी सॉइल है तो इरीगेशन की कम आवश्यकता पड़ती है। और पिंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें जो प्लांट ग्रो होता है तो एक सर्टेन एज के बाद हम प्लांट को ऊपर की टिप को तोड़ देते हैं, इससे क्या है कि इसमें बहुत सी ब्रांचिंग होती है और ब्रांचिंग होने से अच्छे फूल प्राप्त होते हैं। और जिस तरह से आप उसमें देख रहे हैं फोटो में कि इस तरह से आप पिंचिंग करेंगे तो आपको काफी अच्छे फूल मिलेंगे आपको। फिर इंसेक्ट पेस्ट के बारे में जो जानकारी है, जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो इसमें बहुत तरह के कीड़े मकोड़े आते हैं, तो कीड़ों के लिए जो हमारे पास है ब्लैक ब्लिस्टर है या और तरह के जो लीफ हॉपर है, लीफ माइनर्स होते हैं, इनके बारे में हमने बताया था आपको। और इनका कैसे कंट्रोल मेजर्स करेंगे, तो इनका हम जो इंटीग्रेटेड डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम केमिकल स्प्रे भी करते हैं और उसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं, मैकेनिकल भी ट्रीटमेंट है, तो इंटीग्रेट करके सभी चीजों को करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि हम कम से कम केमिकल का यूज करें, जो इको फ्रेंडली जो मैनेजमेंट है वो उसको हम अडॉप्ट करने की प्रयास करते हैं। और डिजीज के बारे में, डिजीज इसमें बहुत आती है, विल्ट आती है, मोल्ड आती है, कॉलर रोट, मतलब ये जो है स्टेम होता है जहाँ स्टेम और रूट और सूट मिलता है, जहाँ तना और जड़ मिलती है उसे कॉलर रीजन कहते हैं, तो उसमें रोटिंग की इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टेम रोट भी आता है। तो ये जो मेजर डिजीज है इनके बारे में आपको हमने डिजीज मैनेजमेंट में चीज के बारे में बताया जा चुका है, तो हम आपको यहाँ सिर्फ ये बताने वाले हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं, कौन कौन सी डिजीज होती है। और एक जो इम्पोर्टेंट डिजीज है जो वायरस से डिजीज होती है, वो वायरस तो ह्यूमन बीइंग में भी डिजीज पैदा करता है और प्लांट में भी पैदा करता है, तो दोनों में कंट्रोल मेजर बड़ा टफ है, इसका बड़ा कठिन है। तो क्राइजेंथम मोज़ेक वायरस जो होता है, जो एक कीड़े से ट्रांसफर होता है एक पौधे से दूसरे पौधे में, तो इसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं टाइम टू टाइम, तो ये क्राइजेंथम मोज़ेक वायरस है जिससे पौधे में जो पीला पड़ जाता है और कर्लिंग हो जाती है। दूसरी क्रॉप के बारे में जो बता रहे हैं वो क्राइजेंथम में गुलदाउदी है, ये आप अच्छी तरह से इस क्रॉप के बारे में परिचित होंगे और पूरे हिंदुस्तान में ये, पूरे कंट्री में ये क्रॉप जो है ग्रो की जाती है। अब इसमें जो वैरायटीज होती हैं वो कई तरह की आपने देखी होगी, वैरायटीज अवेलेबल होती है गुलदाउदी की, क्रिजेंथम की, उसमें सिंगल है, एनीमोन है, पॉम्पोन है, डेकोरेटिव है, इनकर्ब्ड है, रिफ्लेक्स्ड है और इंटरमीडिएट है, जैसे आप देख रहे हैं आपको फोटो में भी दिखाई दे रही होंगी कि इनमें जो इनका जो पेटल्स का करेक्टर होता है, जो इसमें पंखुड़ियां होती हैं, इनके पैटर्न के हिसाब से जो ये इनके नाम दिए गए हैं, सिंगल है, एनीमोन, पॉम्पोन है। तो ये जो आप देख रहे हैं आगे और भी देखेंगे, जैसे ये डेकोरेटिव है, इसमें पत्तियों का और इनकर्ब में देखें तो पत्तियों का जो कर्व हो जाती है और एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, रिफ्लेक्स्ड है, इंटरमीडिएट है, इस तरह की जो वैरायटी है। और इसी तरह से जो है इन्हीं
करेक्टर के हिसाब से जो वैरायटी डेवलप हुई है, स्टैंडर्ड वैरायटी है, स्प्रे वैरायटीज हैं, और इसमें कलर के हिसाब से भी है कि डिफरेंट कलर, क्योंकि इसमें रेड कलर भी है, येलो कलर भी है, व्हाइट कलर भी है, बहुत कलर के फूल होते हैं क्रिजेंथम में। और विंटर सीजन के लिए तो बहुत अच्छा पौधा है, जो लूज फ्लावर एंड कट फ्लावर दोनों में यूज होता है। लार्ज स्केल में इसका यूज हम करते हैं कट फ्लावर में, चाहे वो मैरिज पार्टी का डेकोरेशन हो और कोई काम हो, उसमें इसका हम यूज करते हैं। दूसरी चीज क्राइजेंटम के लिए जो शॉर्ट डे प्लांट है, यानी कि विंटर सीजन के लिए होता है, इसमें दिन छोटे होने चाहिए, रातें लंबी होनी चाहिए, तो इसका जो बॉटनिकली देखा जाए तो ये शॉर्ट डे प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। और टेम्परेचर भी इसके लिए थोड़ा कम होना चाहिए, जैसे अब विंटर सीजन इसके लिए सबसे सूटेबल होता है क्राइजेंटम के लिए, गुलदाउदी के लिए। और इसकी जो हम जो प्रोपोगेशन करते हैं, प्रोपोगेशन के लिए इसमें सीड से नहीं करते हैं इसको हम, या तो रेनी सीजन में जो कटिंग्स होती हैं, टर्मिनल कटिंग्स हैं, उन कटिंग्स के द्वारा हम प्रोपोगेशन करते हैं, या दूसरा इसके सकर्स निकलते हैं तो सकर्स को भी हम तोड़ अलग करके काट के और दूसरे पौधे तैयार कर लेते हैं, तो डॉक्टर इसका पाठक, थोड़ा प्रोपोगेशन। सा मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ मैंने जी आपको बीच में रोका। आपने अभी पूरी चीज़ें जो आप बता रहे थे, फूल की खेती किस तरीके से होनी चाहिए, टेम्परेचर मसल कितना होना चाहिए, अब फूलों की खेती से जितने भी खेतीहर लोग जुड़े हैं, किसान लोग जुड़े हैं जो करते हैं, मान लीजिए किसी को उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे ही समझ विकसित करने के हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग जलवायु के तहत, क्या वो टेम्परेचर फूलों की खेती के लिए उतना ही होता है, या जलवायु या कृषि क्षेत्र के आधार पर, जगह विशेष के आधार पर वो अलग अलग तरीके से होता है तापमान के संदर्भ में? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये तो फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पहले सबसे बड़ी चीज है कि एक जैसे फूल की खेती होती है तो कुछ सीजनल होते हैं फ्लावर, जो रेनी सीजन में कुछ होते हैं, कुछ विंटर सीजन में होते हैं, कुछ समर सीजन के लिए होते हैं, तो स्पेसिफिक होते हैं जो रेनी सीजन में ग्रो होंगे, विंटर में होंगे, समर में होंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे गुलदाउदी की, क्रिजेंटम की, ये विंटर सीजन का क्रॉप है, तो ऑल ओवर कंट्री में जहां भी विंटर सीजन होगी। अब चूंकि ये हमारा कंट्री बहुत वाइड है और बैरियर क्लाइमेट है, अब जैसे साल भर हर जगह कोई ना कोई क्लाइमेट अवेलेबल रहती है हमारे यहाँ, कहीं गर्मी पड़ रही होगी तो कहीं सर्दी, कहीं स्नोफॉल भी हो रहा होता है, तो उस हिसाब से हम इन चीजों को सेलेक्ट कर लेते हैं। और कुछ वेराइटीज भी डेवलप की गई हैं जो लोकेशन स्पेसिफिक होती हैं, कुछ साउथ के लिए सुटेबल होंगी, कुछ नॉर्थ के लिए सुटेबल होंगी, कुछ प्लेन एरिया के लिए, हिली कंडीशन के लिए सुटेबल होंगी। तो फार्मर्स को जब भी कल्टीवेशन, या स्टूडेंट जब भी कल्टीवेशन करना चाहें, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट कहाँ अवेलेबल है और हमारे इस क्षेत्र विशेष के लिए कौन सी वैरायटी जो है वो उचित है ग्रो करना। राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी देने के लिए। चलिए आगे और भी चीज़ें समझते हैं, कुछ और भी प्रश्न मेरे सामने हाँ आएंगे तो मैं आपके सामने रखता हूँ। जी 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 जरूर। तो अब लैंड प्रिपरेशन की बात है, तो लैंड प्रिपरेशन के बारे में तो प्लाइंग करते हैं, फिर उसके बाद लेवलिंग करते हैं, और उसमें देखते हैं कोई पत्थर के टुकड़े हैं या पॉलीथीन है या उस तरह का मटेरियल नहीं होना चाहिए, लैंड फर्टाइल हो, और उसको तैयार करते हैं प्लाइंग करके और हैरोइंग करते हैं, उसके बाद हम उसे पाटा लगाते हैं, लेवलिंग करते हैं, फिर प्लांटिंग करते हैं। तो प्लांटिंग में आपको बताया कि हम सीड जो नर्सरी से भी पौधे से लाते हैं, या अपने हम जो खुद तैयार करते हैं तो हम उसे कटिंग के थ्रू तैयार कर लेते हैं, या सकर्स को अलग करके तैयार करते हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर के बारे में आपसे बात करी, जो कि ये डिपेंड ऑन दी सॉइल कंडीशन एंड फर्टिलिटी लेवल, तो जनरली रिकमेंडेशन जो है 50, 160, 80 kg NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास की रिकमेंडेशन करते हैं। इरीगेशन डिपेंड ऑन दी सॉइल कंडीशन एंड क्लाइमेट ऑल्सो, जैसे अभी स्टार्टिंग में थोड़ी जरूरत पड़ेगी, जब सीवियर कोल्ड होता है तो उसमें इरीगेशन की आवश्यकता हम 10 to 12 days में कर देते हैं, और जब ये थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है तो इरीगेशन का फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम सॉइल की क्लाइमेट क्या है और हमारा क्षेत्र विशेष की वातावरण क्या है। स्पेसिंग जो है हम जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन के हिसाब से करते हैं, वैसे तो पॉट प्लांट में भी इसको हम ग्रो करते हैं, तो 20 to 30 cm, 30, और ये वेराइटी टू वेराइटी है, जो लार्ज फ्लावर्स होते हैं थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस ज्यादा रखते हैं, और जो स्मॉल प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर साइज छोटा होता है उनका स्पेसिंग है वो हम कम करते हैं। जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो इसमें हम करते हैं वो स्टेकिंग का काम है, सपोर्ट देने का काम है। एट द टाइम ऑफ द फ्लावरिंग जब पौधा होता है नीचे झुक जाता है, गिर जाता है, तो इसमें हमें स्टेकिंग किसी मतलब लकड़ी का हमें सहारा देना पड़ता है, चाहे हम पॉट में लगाए पौधा घर में या हम फील्ड कंडीशन ग्रो करते हैं, इसमें स्टेकिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो और एक्टिविटीज हैं, डिसकरिंग है, पिंचिंग है, डिसबडिंग है, ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं अच्छी क्वालिटी फ्लावरिंग के लिए और टाइम से फ्लावरिंग के लिए। डिसकरिंग का मतलब है कि जब पौधे में और सकर्स निकलते हैं और पौधे होते हैं, तो उससे क्या है कि न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, मतलब जो न्यूट्रिशन हम देते हैं तो उसमें क्या है कि पौधा हेल्दी रहे, तो हम साइड की जो ब्रांचें होती हैं और जो सकर्स होते हैं उनको हम डिसकरिंग मतलब उसे काट देते हैं, अलग कर देते हैं। पिंचिंग का मतलब ये है कि पिंचिंग में जब ये पौधा बढ़ता है तो उसकी हम टिप को तोड़ देते हैं, तो
तो तोड़ने से क्या होगा, उसमें और जो है लेटरल ब्रांचेज, जो साइड में और भी ब्रांचेज निकलती हैं, तो पौधे में अच्छे फूल आते हैं और एकदम गुलदस्ता जैसा पौधा देखने में लगता है। अब ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, किस पर्पज से हम तैयार कर रहे हैं। हम एग्जीबिशन के लिए पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसे अलग तरह से ट्रेंड करेंगे, फ्लावर लूज फ्लावर के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसका अलग करेंगे, और कट फ्लावर या और दूसरे पर्पज से हैं, तो ये डिपेंड जो एक्टिविटीज हैं ये हमारी पर्पज फुल मतलब पर्पज के हिसाब से, क्या हमारा उद्देश्य है उस हिसाब से उनका यूज करते हैं। डिस बडिंग है, डिस शूटिंग है, उनको बड को जैसे बहुत ज्यादा बड आती है तो उसमें फ्लावर साइज छोटा हो जाता है, हमें फ्लावर साइज को बड़ा चाहिए, तो बडिंग के टाइम पे हम क्या कुछ बड को डिसूट मतलब डिस बडिंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे क्या है कि जो बड रिमेनिंग बड होंगी उनमें फ्लावर साइज हमें अच्छा मिलेगा। वीड कंट्रोल भी इसी तरह से, जब घास फूस होते हैं तो हम केमिकल है या मैकेनिकल है और जो प्रैक्टिस है उनके द्वारा हम वीड कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग में इसमें जो है कि सबसे बड़ी चीज, हार्वेस्टिंग शुड बी डन अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह हार्वेस्टिंग करने से क्या कि मोर्टिलिटी कम होती है, मुरझाते हैं कम फूल, और जो एवरेज यील्ड मिलती है हमें फ्लावर की जो 10 से 15 टन पर हेक्टर के हिसाब से मिलती है। और इंसेक्ट पेस्ट के बारे में आपको बता ही चुके, एफिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, लीफ माइनर्स, वाइट फ्लाई, ये सभी इंसेक्ट पेस्ट हैं अलग अलग एरिया के हिसाब से, और ये पाए जाते हैं। कभी कभी किसी इंसेक्ट का बहुत ज्यादा स्कोप अटैक होता है तो ये कभी कभी लोकेशन स्पेसिफिक भी होते हैं। ये तो एफिड है, थ्रिप्स है, ये ऐसे हैं, लीफ माइनर है, ऑल ओवर कंट्री किसी न किसी फॉर्म में आपको कम ज्यादा इनकी सीवियरिटी मिलती है, तो इनके लिए हम इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनो कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे नीम का जो ऑयल है उनका भी यूज कर सकते हैं, तो ये इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की बात हो गई। उसके बाद डिजीज के बारे में, जो डैम्पिंग ऑफ है, ये तो ऐसी डिजीज है डैम्पिंग ऑफ की नर्सरी में हर जगह पाई जाती है, तो उसका हम कंट्रोल करते हैं नर्सरी स्टेज पे। और जो रूट रॉट है या जो स्टेम रॉट है, बैक्टीरियल स्पॉट है, इन सब के लिए हम केमिकल्स का स्प्रे करते हैं। उसके बाद जो हम ट्यूब रोज की बात करते हैं, रजनीगंधा बड़ा इंपॉर्टेंट पौधा है, और उसका आप देखते हैं कि फ्लावर फ्लोरिस्ट की दुकान पे जाते हैं तो उसका कई तरह से हम उपयोग करते हुए देखते हैं। तो इसकी जो वेराइटीज होती है रजनीगंधा की, वो सिंगल है, सेमी डबल है और डबल है, जिसमें फ्लावर्स की जो स्पाइक निकलती है, तो फ्लावर स्पाइक्स में जो है एक में सिंगल पेटल्स होते हैं, मतलब ब्रो में जो पेटल्स होते हैं, एक में डबल्स होते हैं, और एक काफी कंपैक्ट नेचर का होता है। तो जब आप उसमें देखेंगे, आप लाइव उसमें आप फ्लोरिस्ट की दुकान पर जाके या कल्टीवेशन फील्ड पर जाके बच्चे देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि सिंगल, सेमी डबल और डबल तरह के ये पौधे होते हैं। और तो ये भी हम अपनी यूटिलिटी के हिसाब से चुनते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस पर्पज से कर रहे हैं, उस हिसाब से ट्यूबरोज की करते हैं। क्लाइमेट जो है ये ट्रॉपिक्स का है, थोड़ा सा ग्रो इन वेल इन ट्रॉपिक्स थ्रू आउट द ईयर। अब वैसे तो ये साल भर ये इसमें फ्लावर्स हमें मिलते रहते हैं, और सॉइल कंडीशन भी इसमें फर्टाइल सॉइल चाहिए, क्योंकि ट्यूबरोज है इसमें, तो ट्यूबरोज में इसमें ट्यूबर्स होते हैं, तो इसकी जो सैंडी लॉम सॉइल हो और फर्टाइल हो, लॉम सॉइल होनी चाहिए। और जिसका जो प्रोपोगेशन है, प्रवर्धन है, वो प्रवर्धन के लिए हम जो जो कॉर्म्स होते हैं, या जो आप इसमें हमने जो लिखा है, ए फ्यू ऑफ द सिंगल वेराइटीज सेट सीड्स, सीड्स प्रोपोगेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट्स मीन्स ओनली द एवोल्यूशन ऑफ न्यू वेराइटीज। तो इसका जो हम कॉर्म्स करते हैं, जो कॉर्म्स निकलते हैं, जो उसमें नीचे लहसुन जैसा होता है, उस तरह से गांठें होती हैं, उन गांठों को निकाल के हम उसका एक पौधे से दूसरे पौधे तैयार करते हैं। और प्लांटिंग में इसका है, जो सीजन के हिसाब से करते हैं, इस समय ये फरवरी मार्च का सीजन होता है, इसमें हम प्लांटिंग करते हैं, उसके बाद जैसे दलहरी रीजन है तो मार्च अप्रैल में करेंगे, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग सीजन में इसकी हम प्लांटिंग करते हैं। साउथ इंडिया में हम जुलाई अगस्त में करते हैं, और बेंगलुरु वगैरह में अप्रैल मई में, तो ये जो एरिया के हिसाब से है, क्लाइमेट के हिसाब से इसका प्लांटिंग को हम सेलेक्ट करते हैं। स्पेसिंग है तो इसके सिंगल डबल के हिसाब से भी रहते हैं, जनरली हम 30 से 30 एंड 40 से 40 सेंटीमीटर के हिसाब से हम इसकी जो है स्पेसिंग करते हैं, एक पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी करते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि हैवी फर्टिलाइजर कंज्यूमेंट है इसका, तो इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो कंपोस्ट है, जो गोबर की खाद देते हैं या फार्म यार्ड मैन्योर करते हैं हम, वो 20 से 30 टन पर हेक्टर के हिसाब से देते हैं। और नाइट्रोजन का इसमें डिमांड ज्यादा होती है, 200 kg पर हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन, और 60 kg के हिसाब से हम फॉस्फोरस का एप्लीकेशन रिकमेंडेड है इसकी करते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो फर्टिलाइजर का लेवल है, ये सॉइल टू सॉइल वेरी करता है, कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी का लेवल और उर्वरता आपकी सॉइल की कैसी है, उस हिसाब से इसकी फर्टिलिटी के हिसाब से हम रिकमेंडेशन करते हैं। लेकिन ये जो जनरल रिकमेंडेशन है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। इरिगेशन हम करते हैं तो सीजन के हिसाब से होती है, लेकिन जनरली 10 से 12 डेज इंटरवल पे हम उसे
इरिगेशन करते हैं, हम जब फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं देखते हैं कि ड्राई हो रहे तो थोड़ा हाथ से टच करके पता लगता है कि इसमें मॉइस्चर कम है तो हम इरिगेशन अप्लाई करते हैं। तो ऑन एवरेज है 10 to 12 days हम इरिगेशन करते हैं। तो वीड कंट्रोल है, वीड कंट्रोल जो आते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं वीड को, और साथ साथ वीड के साथ साथ में जो ईल्ड है इसकी जो है 12 to 15 tons, और जो फ्लावर्स की स्पाइक्स की बात करें जो निकलती हैं तो 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास स्पाइक हमें पर हेक्टर प्राप्त होते हैं। तो इसमें देखें तो प्रॉफिट बहुत अच्छा है इस क्रॉप में, आपको बताएं, क्योंकि आप एक देखें कि एक क्रॉप में या 5 रुपए की या 10 रुपए की स्पाइक जाती है तो आप देखें मल्टीप्लाई करके तो हमें अच्छा प्रॉफिट प्राप्त होता है। अब जो हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग तो एक तो हम इसको फ्लावर्स के लिए स्पाइक्स को हार्वेस्ट कर फ्लावर की हार्वेस्टिंग करते हैं, दूसरा जब ये फ्लावर्स आना बंद हो जाते हैं तो अगली साल के लिए हमें सीड मटेरियल तैयार करना होता है। तो जब जो क्रॉपिंग खत्म हो जाती है हमारी और जो प्लांट्स येलो कलर के टर्न हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, उस समय हम मानते हैं कि ये हार्वेस्टिंग का टाइम है। तो उस समय जो बल्ब्स होते हैं जो जमीन से हम निकाल लेते हैं और उनको छायादार स्थान में पहले क्योरिंग करते हैं, छायादार स्थान में रख लेते हैं, उसके बाद उन्हें अगले साल के लिए या दोबारा प्लांटिंग के लिए स्टोर करते हैं। तो इसके जो है आपके पास इंसेक्ट पेस्ट में जो आप आते हैं उनको भी हम आपको बारे में बता चुके हैं कि जो भी इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको हम टाइम टू टाइम और डिजीज बीमारियों का हम कंट्रोल करते रहते हैं। इसके बाद जो कल्टीवेशन है ग्लेडुलस की है जो बहुत ही कॉमन है, आप देखते हो ग्लेडुलस को जो भी हम बुके बनाते हैं जो भी फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं ग्लेडुलस का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इवन देन आप देखें मैरिज पार्टी हो, बर्थडे हो, और भी अकेजन हो जिसमें बुके का यूज कर सकते हैं। तो इसमें कल्टीवार्स होते हैं, बहुत से कल्टीवार्स होते हैं, कई तरह के फ्लावर्स आते हैं इसमें, रेड है, पिंक है, येलो है, वाइट है, और वॉयलेट ब्लू कलर के भी अवेलेबल हैं। तो ये जो फ्लावर्स हैं ये वेराइटीज अवेलेबल, बहुत सी वेराइटी है यहाँ, तो आपको हम सिलेक्टेड कुछ वेराइटी दिखा रहे हैं, इसमें सैकड़ों वेराइटी अवेलेबल है हमारे पास। तो ये पर्पज के हिसाब से हम ग्रो कर सकते हैं कि हमें किस कलर का फ्लावर चाहिए, किस पर्पज से चाहिए, तो कट फ्लावर के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं, और लूज फ्लावर में इसका यूज कम होता है, इससे कट फ्लावर के लिए करते हैं उसे। तो क्लाइमेट तो ये ड्यूरिंग समर और टेम्परेट एरिया में करते हैं या किस करते हैं, लेकिन ये जो ये विंटर सीजन है ये इसका फ्लावरिंग सीजन होता है ड्यूरिंग विंटर में ये। और प्रोपोगेशन जो करते हैं इसकी, क्योंकि इसकी पहले से प्लांटिंग करनी पड़ती है तभी हम इस सीजन में फ्लावर हमें प्राप्त होते हैं, और जो कॉर्मलेट्स होते हैं जो इसके कंद होते हैं उसके द्वारा इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम स्टोर भी कर लेते हैं। जब हमारी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है तो उस कॉर्म को हम स्टोर कर लेते हैं लो टेम्परेचर पे, और नेक्स्ट सीजन में उसको हम एज ए सीड मटेरियल सेल भी कर सकते हैं, बाजार में बेच भी सकते हैं, या अपने तौर पर भी अपने सीड को यूज कर सकते हैं इसको। तो इसका जो टाइम्स ऑफ प्लांटिंग है सेप्टेम्बर टू अक्टूबर इन प्लेन्स एरिया जो होते हैं, जो हम उनमें ये सेप्टेम्बर टू अक्टूबर है, और मार्च टू अप्रैल जो हिल्स के लिए हम यूज करते हैं, और जो डिस्टेंस है कॉर्न प्लांट टू प्लांट है वो 10 to 15 सेंटीमीटर के आसपास हम रखते हैं। तो ये ग्लैडुलस की खेती है, वैसे तो हम घर में भी कर सकते हैं, जो हमारे पास बेड अवेलेबल है उसमें हम बाजार से कॉर्न चला के इसको हम ग्रो कर सकते हैं, और ये ऑल ओवर द कंट्री ग्रो होता है हर सीजन में ये। दूसरा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में आपको बता सकते हैं कि आपकी सॉइल कंडीशन डिपेंड करता हैवी नाइट्रोजन चाहिए होते हैं और हैवी ऑर्गेनिक मैटर का हम इसमें यूज कर सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं। और इरिगेशन के लिए इसमें ये 10-12 दिन के अंदर पर हम इरिगेशन का अप्लाई करते हैं, और जो स्टेकिंग वगैरह है सहारे के लिए हम जो थोड़ा स्टेकिंग का मतलब है लकड़ी से इसे सहारा देते हैं, जब उसमें फ्लावरिंग आती है जब स्पाइक्स निकलती है तो वजन होने के साथ साथ ये झुक जाती है, तब गिर भी सकती है, टूट भी सकती है, तो उसको हम सहारा देते हैं क्वालिटी फ्लावर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। हार्वेस्टिंग के इसमें जो है 12 से 15 टन मिलता है हमें पर हेक्टर के हिसाब से, या 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास जो हमें स्पाइक्स मिलते हैं इसमें। और पोस्ट हार्वेस्ट में ये है कि लोकल मार्केट के लिए हमें फूल हार्वेस्ट करने हैं या डिस्टेंस मतलब बाहर भेजना है फूल को, तो हम उसको लिए थोड़ा सा हमें अलग तरह का टाइम सेलेक्ट करना पड़ता है। जो लोकल मार्केट के लिए जो हम करते हैं तो एक दो फ्लावर जब ओपन हो जाते हैं तब हम इन चीजों को मतलब इस फ्लावर को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो क्योंकि जब तक तो मार्केट में जाता है तो पूरा फ्लावर ओपन हो जाते हैं। हाउएवर फॉर डिस्टेंस मार्केट के लिए तो प्रॉपर स्टेज ऑफ कटिंग जो है जो जो एक दो फ्लावर्स होते हैं जो बड फॉर्म में होते हैं तब हम करते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में 1-2 दिन लगते हैं जब ट्रांसपोर्टेशन में, तब तक फूल जाके प्रॉपर खिल जाते हैं वहां जाके, वो मार्केटेबिलिटी उनकी अच्छी होती है। तो इस तरह से जो है हम कॉर्मलेट्स को करते हैं, कॉर्म्स को लिफ्टिंग करते हैं, कॉर्म्स की क्योरिंग करते हैं। कॉर्म्स का मतलब ये सीड मटेरियल है इनका,
इनको हम जो कंद होते हैं इसके जो गांठें बनती हैं नीचे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताएं आपको, तो उनको हम एज ए सीड यूज कर सकते हैं। तो उनको पहले हम छायादार स्थान पर सुखा लेते हैं, उसके बाद उनको हम ट्रीटमेंट करके रखते हैं ये। इसके बाद जो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज की बात है, तो इसमें बहुत तरह की बीमारियां आती हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं, जिसके बारे में हमने 11th की बुक में इंटीग्रेटेड डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट में आपको विस्तार से जानकारी दी है। उसके बाद जो कार्नेशन क्रॉप के बारे में जो आपको दे रहे हैं, तो कार्नेशन क्रॉप जो है ये जनरली प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में होती है, पॉली हाउस में होती है। हम ओपन कल्टीवेशन में इसको ग्रो तो करते हैं, लेकिन उस तरह की जो हमें जो मार्केटेबिलिटी मतलब मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी चीज प्लांट फ्लावर क्वालिटी अवेलेबल नहीं होती, मिलती नहीं है। तो इसमें स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, इस पे टाइप बहुत तरह के कलर्स भी होते हैं और इसके टाइप्स हैं। ये आप देख रहे हैं कि जिनके प्लांट के शेप एंड साइज के ऊपर से कहते हैं कि स्टैंडर्ड साइज का कौन सा फ्लावर्स है, स्प्रे साइड की कौन सी वैरायटी है, और क्लाइमेट इसके लिए जो है वो माइल्ड क्लाइमेट में ये पौधा अच्छा ग्रो होता है, और जो कटिंग के द्वारा इस पौधे को हम तैयार करते हैं। ये आप जान लें कि पौधे की टर्मिनल कटिंग होती है, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। एक बार हम पौधा मार्केट से लाते हैं तो उसके बाद कटिंग से मल्टीप्लाई करके उसे और एक पौधे से अनेक पौधे बना सकते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस में ये है कि हम जो कार्नेशन लगाते हैं तो टाइम टू टाइम हमें बल्ब की जो निराई गुड़ाई भी करनी पड़ेगी, और टेम्परेचर को कल्चर प्रैक्टिस यहाँ जो हम दे रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के साथ दे रहे हैं, तो नाइट टेम्परेचर है 10 से 16 डिग्री मेंटेन रखते हैं, और डे टेम्परेचर है 18 से 23, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ये पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। हम फील्ड कंडीशन में भी ग्रो सकते हैं, लेकिन आपको बता चुके हैं कि इसमें जो क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स है वो हमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में या पॉली हाउस में ग्रो करती है तो अच्छी तरह से प्राप्त होती है, और उसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट भी अच्छी होती है। तो इसके लिए हम बेड तैयार करते हैं, तो बेड में जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो कंपोस्ट खाद वगैरह है, वो हम 30 टन मतलब 30 टन पर हेक्टर के हिसाब से जनरली यूज कर सकते हैं। और स्पेसिंग जो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होती है, वैसे तो स्पेसिंग वेराइटी टू वेराइटी वेरी करती है, लेकिन प्राय 20 से 15 सेंटीमीटर जो होती है वो हम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से डिस्टेंस रखते हैं, और 20 से 20 सेंटीमीटर जो है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखते हैं। तो ये दोनों वेरायटी के लिए, एक मतलब हमने आपको बताया था स्प्रे वेरायटी के लिए, स्टैंडर्ड वेराइटीज के लिए। तो वेरायटी का शेप एंड साइज अलग होता है, प्लांट का करेक्टर अलग होता है, तो स्पेसिंग भी उसी हिसाब से कर सकती है। स्टेकिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो स्टेकिंग है, कि जब पौधा तैयार होता है तो उसको हम नायलॉन की नेट से आसपास हम खूंटी लगा देते हैं, और उसमें हम सुतली या नायलॉन की नेट उड़ा देते हैं, उसमें पौधा खड़ा रहता है, जिससे पौधे में लॉजिंग नहीं होती, पौधा गिरता नहीं है, और हमें अच्छी यील्ड मिलती है और फ्लावर क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में बताई चुकी आपको, टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं 20-20-10 मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में एरिया हमारा लिमिटेड होता है, और जो हमारे पास जो और भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कर रहे हैं, मैंगनीज है, सल्फर है, बोरॉन है, कॉपर है, जिंक है, इनका भी हम इस्ते कर सकते हैं। ये अवेलेबल उसके हिसाब से होता है, जब प्लांट्स में कोई डिफिशेंसी सिम्टम्स आता है, हम पौधे की हालत देख के, पौधे का स्वास्थ्य देख के ये समझ जाते हैं कि इसमें पर्टिकुलर, या हम एक्सपर्ट से भी कंसल्ट कर लेते हैं, या हमने अपनी बुक में इन चीजों के बारे में दिया गया है कि आप कैसे इन सिम्टम्स को पहचानेंगे कि डिफिशेंसी सिम्टम्स क्या है, पौधे में कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि किस तत्व की पौधों में या जमीन में कमी है। इरिगेशन के बारे में ये कि हम मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं, और स्प्रिंकलर इरिगेशन या फव्वारा सिंचाई करते हैं, तो उसमें स्प्रिंकलर को हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, यानी मतलब कंटिन्यूस मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। और इसमें जो जो हम कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या जो कुछ और एक्टिविटीज हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें करते प्रैक्टिस है वो है पिंचिंग है। पिंचिंग से क्या है कि हम जो पौधे की हाइट को रोकने के लिए हम पिंचिंग करते हैं, ऊपर से हम उसकी बड को तोड़ देते हैं, जिससे हम ब्रांचिंग मिलती है और फ्लावरिंग अच्छी मिलती है। और शूटिंग के हिसाब से भी करते हैं, पौधे की अपने कंट्रोल रहे अपनी हाइट, और उसमें जो और पौधे मल्टीप्लाई होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डिशूटिंग करते हैं, जो साइड में और तरह के पौधे निकलते हैं और ब्रांचेज निकलती हैं उनको हम डिशूटिंग द्वारा या पिंचिंग के द्वारा कम कर देते हैं, और डिजायर क्वालिटी के फ्लावर, हमारा उद्देश्य होता है कि हमें फ्लावर साइज भी अच्छा मिले और क्वालिटी भी अच्छी मिले और क्वांटिटी भी अच्छी मिले। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी के लिए पिंचिंग एंड डिस्ट्रीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर डिसबडिंग है, और डिसबडिंग भी इस पक्का पर यही है कि फ्लावर की क्वालिटी हमें अच्छी तरह से मिले। पोस्ट हार्वेस्टिंग में तो ऐसा है कि हम वैसे तो या तो हम शाम को करते हैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ओपन सनी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, या तो स्टडी कंडीशन हो या मॉर्निंग आवर हम करते हैं तो ये ठीक रहता है हमारे पास।
और ग्रेडिंग के लिए ये है कि अब ग्रेडिंग के लिए मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमें बाहर भेजना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, तो उसमें हम स्टेम के लेंथ के हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। 62 सेंटीमीटर लेंथ है या 52 बी ग्रेड का होगा तो 52 टू 60 सेंटीमीटर स्टेम की लेंथ होगी, और जो सी ग्रेड का होगा वो 40 टू 50 सेंटीमीटर। ये जो ग्रेडिंग है ये मार्केट के लिए बच्चों को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेडिंग के हिसाब से ही हमें रेट बाजार में मिलते हैं। यील्ड इसकी जो है पर स्क्वायर मीटर एरिया में जो मिलती है वो 150 से 400 फ्लावर के आसपास मिलती है। पोस्ट हार्वेस्ट में हम आपको बता चुके हैं कि हम ऐसी इसमें हार्वेस्ट करने के बाद में हमें तुरंत पानी में उसे रखना चाहिए, और थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन ऐसा बनाते हैं जिसमें हमें सुक्रोज वगैरह मिलाते हैं, जिससे इसकी होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि पौधे की लाइफ है, सेल्फ लाइफ पौधे की 22 लाइफ होती है, फ्लावर्स की बढ़ जाती है, और पौधा हमें ट्रांसपोर्ट करना हो तो पौधे की क्वालिटी खराब ना हो, फ्लावर्स की क्वालिटी खराब ना हो, तो इस तरह से हम चीजों करते हैं। और ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर भी हमें मेंटेन रखना पड़ता है, और जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कोल्ड चेन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं या आउट ऑफ द कंट्री भेज रहे हैं, तो वहां हम ऐसे कंटेनर का यूज कर सकते हैं जिनमें 2 डिग्री से 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो और जो ह्यूमिडिटी हो वो 95% के आसपास हो। इसके बाद जो जो पेस्ट के बारे में और बीमारियों के बारे में, तो ये सब एक तरह का सब कंट्रोल मेजर्स, लगभग लगभग जो बीमारियां आती हैं वो लीफ स्पॉट्स हैं और सॉइल बॉर्न डिजीज हैं और कुछ ऐसी ईयर बॉर्न डिजीज हैं जो एक प्लेस से हवा के द्वारा फैलती हैं, तो उनको हम केमिकल स्प्रे के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। फिर ये जरबेरा की बात करते हैं, तो जरबेरा हम देखते हैं हम कि एक क्रॉप है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है जरबेरा, तो जरबेरा की जो वेरायटी है बहुत तरह की वेरायटी हमारे पास जरबेरा की अवेलेबल है। उसके लिए हमें क्लाइमेट है जो वैसे तो विंटर सीजन में जरबेरा अच्छा होता है या कंट्रोल कंडीशन में पैदा करती है, तो 8 डिग्री 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए अच्छा होता है। और जो जरबेरा का जो प्रोपोगेशन होता है, जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट करते हैं, वो कटिंग के द्वारा होता है। कटिंग के द्वारा कम करने के वैसे तो सबसे ईजी होता है कि इसके साइड में जो और ब्रांचेज जो पौधे निकलते हैं उनको हम निकाल लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और लार्ज स्केल में कॉमर्शियल जो टिश्यू कल्चर के द्वारा इस पौधे को हम तैयार करते हैं। और प्लांटिंग टू प्लांट में जो है 30 से 33 बाई 33 और 38 टू 32 मतलब प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस है हम मेंटेन करते हैं। बेड प्रिपरेशन, इसको बेड बनाते हैं तो रेज बेड बनाते हैं जमीन से उस 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई, क्योंकि ये वाटर लॉगिंग होती है, पानी ज्यादा होता है तो पौधे खराब नहीं होते हैं। फिर मैन्योर फर्टिलाइजर्स में है, ये हम आपको बता चुके हैं, ये सॉइल कंडीशन में डिपेंड करता है, इसके लिए हमें सॉइल टेस्टिंग करानी होती है, उस हिसाब से जो रिकमेंडेशन होती है इसमें हम हैवी ऑर्गेनिक मैटर देते हैं, मैन्योर का है 750 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से मैन्योर देते हैं, और टाइम टू टाइम इरीगेशन देते हैं। ओवर वाटरिंग जरबेरा में अवॉइड करनी चाहिए, ज्यादा पानी देने से जरबेरा की क्रॉप कल्टीवेशन अच्छी नहीं रहती है। और हार्वेस्टिंग के लिए जो हम करते हैं 70 डेज या जो पहली फ्लावरिंग होती है 50 से 70 दिन बाद हमारे फ्लावर आना शुरू होते हैं, फिर ये पेरिनियल नेचर का पौधा एक बार लगाने के बाद हमें साल भर ऐसे फ्लावर मिलते रहते हैं, उसके बाद इंसेक्ट पेस्ट का मैनेज करते हैं। उसके बाद जो दूसरी यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कल्टीवेशन ऑफ रोज की बात कर रहे हैं, जो रोज की आपने देखा हो कट फ्लावर के तौर पर रोज को बहुत यूज कर सकते हैं, तो रोज की जो वेराइटीज हैं, रोज के उपयोग के बारे में आपको नहीं बताना है क्योंकि सभी लोग जानते हैं गुलाब का कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग करते हैं, तो उसमें हाइब्रिड टी है, फ्लोरीबंडा है, ग्रैंडी फ्लोरा है, पोलेंथिया और मिनिएचर, ये जो डिफरेंट तरह के रोज के वो है मतलब रोज के टाइप्स हैं। तो हाइब्रिड टी जो हम कट फ्लावर यूज कर सकते हैं, जो हम देखते हैं जो सिंगल फ्लावर बढ़ देते हैं वो हाइब्रिड टी में आता है, और फ्लोरीबंडा, तो ये जो अलग अलग पर्पज से होते हैं, कुछ मिनिएचर होते हैं जो बहुत छोटे छोटे फूल लगते हैं जो गमले में लगाते हैं या जो बेड्स में हम यूज कर सकते हैं, कुछ पॉली एलियंथिया होते हैं जो गुच्छों में फूल आते हैं, तो ये गुलाब का करेक्टर होता है इनका अलग अलग तरह से। फिर क्लाइमेट गुलाब के लिए जानते ही हैं आप लोग कि हम कटिंग के द्वारा पौधे को तैयार करते हैं, और जो 24 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे अभी टेम्परेचर आ रहा है, विंटर सीजन आएगा तो उसमें रोज का, और हाँ इसमें सबसे अच्छी चीज नाइट टेम्परेचर या डाउन होता है और डे टेम्परेचर 24 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अच्छी फ्लावरिंग हमें प्राप्त होती है। सॉइल इसमें फर्टाइल होनी चाहिए, सैंडी लॉम हो तो अच्छी है, और वैसे तो सभी तरह की सॉइल में ये पौधा सर्वाइव कर सकता है। बेड में पौधा लगाते हैं, प्रोपोगेशन हम जो है बडिंग के द्वारा करते हैं, कटिंग के द्वारा भी होता है, कुछ पौधे कटिंग के द्वारा तैयार होते हैं और वरना ग्राफ्टिंग के द्वारा और बडिंग के द्वारा होती है, इसमें टी बडिंग जो है बहुत पॉपुलर है। और प्लांटिंग के हिसाब से प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो डिपेंड करती है किस तरह की वैरायटी को हम यूज कर सकते हैं, जो लार्ज जो बड़े फूल वाली वैरायटी उनमें डिस्टेंस ज्यादा होता है, और जो मिनिएचर है या फ्लोरीबंडा है उनमें स्पेसिंग को हम कम कर सकते हैं। जो इस नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर के बारे में बात है,
उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास को हम देते हैं और ये स्प्लिट डोज में देते हैं। जो ये रिकमेंडेड डोज हम आपके सामने लिखी हुई है ये तो पूरे एक हेक्टर के हिसाब से है, लेकिन आवश्यकता अनुसार हम इनको देते हैं। लेकिन हमें एक साल में लगभग 520 kg है नाइट्रोजन देनी है। इस तरह से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास के बारे में बात करते हैं। इरिगेशन में है, बहुत हैवी इरिगेशन की जरूरत नहीं है, मॉइस्चर मेंटेन रहे। और वैसे तो पर पौधे के हिसाब से देखा जाए तो 8 to 10 liter वाटर हमें जो पर स्क्वायर मीटर एरिया के हिसाब से हमारा काम चल जाता है। ज्यादा पानी से ये पौधे फसल खराब हो जाती है, यानी हम जब गमलों में पौधे लगाते हैं तो जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये ज्यादा पानी से पौधे खराब हो जाते हैं। और जिस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं हम उन प्रैक्टिस को ऑप्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग है, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज है, इस क्रॉप को यूज कर सकते हैं। इसी तरह गैलाडिया का पौधा है, गैलाडिया का पौधा जो है ये ऐसा पौधा है जो समर में भी आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए जो क्लाइमेट है थोड़ी सी हॉट क्लाइमेट में कर सकते हैं। जब समर सीजन में हमें और कोई पौधा या फ्लावर नहीं मिलते हैं तो गैलाडिया के पौधे हम घर में भी लगा सकते हैं, खेत खेत में भी यूज कर सकते हैं। और जो मंदिरों वगैरह में जो आप जाते हैं मंदिर में या और पूजा के स्थानों पर जो फूल मिलते हैं गैलाडिया के फूल अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर सॉइल उसमें फर्टाइल पाठक, सॉइल होती है। मैं आपको थोड़ा सा समय का भी भान करा दूं, अंतिम 10 मिनट का समय हमारे पास बाकी जी है। जी अब हम रैप अप कर रहे हैं सर आपको थोड़ा सा। तो इस तरह की जो क्रॉप के बारे में हमने बात की गैलाडिया के बारे में, और गैलाडिया के बाद में जो कल्टीवेशन है जो मैरीगोल्ड के बारे में, तो मैरीगोल्ड आप सब लोग जानते ही हैं जो मैरीगोल्ड के बारे में। मैरीगोल्ड में एक अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है, फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है, फ्लावर्स में देखें कुछ गेंदी जैसे कहते हैं, कुछ गेंदा कहते हैं, छोटे छोटे फूल भी आते हैं, अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है। और जो येलो कलर के और थोड़ा सा या रेडिश कलर के जो फूल होते हैं बड़े बड़े होते हैं वो फ्रेंच में आते हैं। क्लाइमेट देख ही रहे हैं इस सीजन में जो आप विंटर सीजन देख रहे हैं इसमें ये क्लाइमेट इसके लिए बहुत अच्छी होती है। और जो टेम्परेचर रेंज है 14 to 28 degree centigrade टेम्परेचर इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। और जो सॉइल के लिए सॉइल पीएच जो होता है, सॉइल का पीएच जो होता है जो अम्लता हो सॉइल की वो न्यूट्रल होना चाहिए, 7 pH के आसपास होना चाहिए। और प्रोपोगेशन तो आप जानते हैं इसको हम थ्रो सीड करते हैं, जब फ्लावर हमारे मैच्योर हो जाते हैं तो उनको उनसे हम उन्हें स्टोर कर लेते हैं और उनसे हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। हाइब्रिड में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उनका हम सीड मटेरियल यूज नहीं कर सकते हैं तो हमें नेक्स्ट ईयर दोबारा परचेज करना पड़ता है। ये फिर ट्रांसप्लांटिंग है, न्यूट्रिशन है, इरीगेशन पिंचिंग है, ये सब चीजें उसकी जो है हम करते हैं। इरीगेशन टाइम टू टाइम इरीगेशन करते हैं, इरीगेशन मतलब हैवी इरीगेशन नहीं करनी है इसमें, बस पौधे में जो आवश्यक रिक्वायरमेंट है मॉइस्चर मेंटेन बना रहे और उसके बाद आवश्यकता अनुसार हम वीड अवेलेबल है तो वीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग जो है अपने रिक्वायरमेंट के साथ करते हैं और सोइंग टाइम को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे दीपावली है, दशहरा है, नवदुर, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो सोइंग टाइम के हिसाब से हम देख लेते हैं कि इस टाइम पे सोइंग करेंगे तो इस टाइम मतलब इतने दिन बाद हमें ये तो अच्छी ईल्ड मिलेगी। तो उस हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, हमारे मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है और पर्पज क्या है हमारा, तो उस पर्पज के हिसाब से हम जैसे फेस्टिव सीजन है या मैरिज का सीजन है तो उस हिसाब से गेंदा की हम कल्टिवेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो जैस्मिन है, आप जैस्मिन के बारे में सभी लोग जानते हैं, इसका इत्र भी बनते हैं और भी यूज होती हैं, तो इसमें कई तरह की वेराइटीज होती हैं। ऑरेंटी जैस्मिनम ऑरिकुलेटम है, जैस्मिन ऑफिसिनेल्स है, ग्रैंडीफोलियम है, इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे मधुकामनी कहते हैं और बेला भी कहते हैं, तो अलग अलग वेराइटी इस तरह की यूज कर सकते हैं। हाईली सेंटेड होते हैं ये और इनका जो और ऑल ओवर द कंट्री ये उगाए जाते हैं। साउथ में आप देखें जो मोगरा जैसे कहते हैं तो मोगरा जो है इसमें सिंगल फ्लावर भी होता है, डबल फ्लावर भी होता है और जो है और ये विंटर सीजन में बहुत अच्छे इसमें फ्लावरिंग होती है और समर सीजन में भी आप देखें ये ऐसा फूल है समर सीजन में भी अच्छी हमें फ्लावरिंग मिलती है इससे हमें। अब पर्पज ये है कि इस पर्पज से हम ग्रो कर रहे हैं, सॉइल जो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए और जो कॉम प्रोपोगेशन करते हैं बहुत ईजिली होता है इसमें कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं हम। और लैंड प्रिपरेशन तो ऐसा कल्टीवेट कर सकते हैं और जो खाद की आवश्यकता होती है हम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो हम जो वीड कंट्रोल की बात है, हार्वेस्टिंग की बात है, तो फ्लावरिंग ऑफ जैस्मिन में भी स्टार्ट एट द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स प्लांट, क्योंकि ये पेरिनियल नेचर का है, एक साल लगा देते हैं 10 साल तक पौधा सर्वाइव रहता है, तो पहले साल हमारी जो ईल्ड मिलती है उसके बाद ईल्ड जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ होती है ईल्ड हमारी बढ़ती चली जाती है। बस हमें अपनी इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का और फर्टिलाइजर का और इरीगेशन का ध्यान रखना होता है ये। फिर क्रोसेंडा, क्रोसेंडा के बारे में आपको बताते हैं, जनरली साउथ में देखते हैं जो वेनी है, जो माला है, गजरा बनाती है, वो इसी तरह इसी फूल का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जो आप दक्षिण भारत में देखें महिलाएं हैं, आप सभी महिलाएं जनरली गजरा या डिफरेंट तरह के फ्लावर्स को यूज कर सकती हैं, तो उसमें क्रोसेंड्रा का फूल बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें। और क्लाइमेट जो है क्रोसेंड्रा के लिए वो
टेम्परेचर है 13 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और जो अच्छे टेम्परेचर है 20 to 32, मतलब माइल्ड क्लाइमेट में ही बड़े आसानी से ग्रो हो सकता है। और जो सीड के द्वारा स्टेम कटिंग के द्वारा ये कई तरह से प्रोपोगेट हो सकता है, मतलब प्रोपोगेशन बहुत आसान है, सीड से भी कर सकते हैं, कटिंग से भी कर सकते हैं और लेयरिंग से भी कर सकते हैं। लेयरिंग का मतलब है ब्रांच को जमीन में लगा देते हैं ये, तो इस तरह से ये हम क्रोसेंड्रा की बात करते हैं। फिर एनुअल्स के बारे में जब बात करें तो एनुअल्स वो पौधे होते हैं जो हमें साल में होते हैं, जो अभी हम बेड में जाएं किसी भी गार्डन में आप जाओगे तो चाहे वो एजिंग हो, हैज हो, बॉर्डर्स हो, ये मिलते हैं। और विंटर सीजन में आप किसी भी ऑफिस में किसी भी पार्क में जाएंगे आपको एनुअल्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी क्यारियां हैं यानी कि जो गार्डन का कंसेप्ट ही एनुअल्स के बिना इनकम्प्लीट है, तो इसको हम जो डिफरेंट तरह के इसके पर्पज से हम एनुअल्स को यूज कर सकते हैं। तो विंटर सीजन एनुअल्स होते हैं, समर सीजन, ये जानकारी बच्चे को होना बहुत जरूरी है आपके पास कि यदि हमें विंटर सीजन में कौन कौन से पौधे, क्योंकि जनरली ये इस चीज की हम उनके बारे में जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि विंटर सीजन के लिए कौन से सूटेबल हैं, रेनी सीजन में कौन से होते हैं, क्योंकि समर सीजन में हमारे पास बहुत कम एनुअल्स अवेलेबल होते हैं जानकारी के अभाव में। लेकिन हम बता दें आपको कोचिया है, गोमफ्रीना है, सनफ्लावर है, सनफ्लावर ऐसा है कि साल भर पैदा होता है, कभी भी आप ग्रो कर सकते हैं, ये डे न्यूट्रल प्लांट है। तो आप चाहे रेनी हो, समर हो, कभी भी आप अपने गमले में, क्यारी में, या किसी बेड में आप ग्रो कर सकते हैं। गैलाडिया है, वो सब क्रॉप्स जो हम आपको बता रहे थे उनका इसमें यूज कर सकते हैं जो हमने कल्टीवेशन बताया आपको। तो रेनी सीजन के लिए कौन कौन सी होती है, इन सब के बारे में जानकारी किताब में विस्तार से दी गई है। इसके बाद हर्बेसियस बॉर्डर जो बनाते हैं, इसमें हर्बेसियस बॉर्डर का मतलब ये है कि जो हमारे पास बड़ी लंबी लंबी क्यारियां होती हैं उन क्यारियों में हम पहले टाल, फिर मीडियम, फिर ड्वार्फ, डिफरेंट तरह के कोले बनाते, डिफरेंट तरह के पौधे लगाते हैं। तो टाल होंगे पहले, फिर उसके आगे ड्वार्फ होंगे, मीडियम होंगे, फिर ड्वार्फ होंगे। इससे डिफरेंट तरह का लुक हमें देखने को मिलता है और डिफरेंट तरह के फ्लावर मिलते हैं। ये आप अच्छे अच्छे गार्डन में जाएंगे तो आपको ये देखने को हर्बेसियस बॉर्डर दिखाई देते हैं, जैसे राष्ट्रपति गार्डन वगैरह देखने जाएंगे बच्चे तो आपको ये देखने को मिलेंगे। फिर ये कॉमन एनुअल्स और पेरिनियल्स के बारे में भी हमने इस किताब में विस्तार से जानकारी दी है। जैसे आपको है मैरीगोल्ड, आपको पॉट मैरीगोल्ड है, जैसे हम कैलेंडुला कहते हैं, कार्नेशन है, और आपका डायंथस है, ये जो पिटूनिया है, इस तरह के पौधे जो गर्मी में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपको फ्लावर पर दिखाई दे रहे हैं, स्वीट पी है, फ्लॉक्स है, वर्बीना है, हॉली हॉक है, गोमफ्रीना है, एंथेरियम, ये डिफरेंट सीजन के हिसाब से अलग अलग पौधे हैं। इसके हम सीड सोइंग करते हैं, सभी के सीड अवेलेबल होते हैं, सीड से द्वारा ही तैयार होते हैं मोस्टली एनिमल्स, उनके लिए सीड बेड तैयार करते हैं। और प्लग ट्रे में भी होती है, जो प्लास्टिक की ट्रे होती है उसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं, उनमें हम ग्रो कर सकते हैं और ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं। डॉक्टर पाठक, अंतिम 3 मिनट। हाँ, तो मेथड ट्रांसप्लांटिंग में सीड को जैसे आप बता चुके हैं वो अवेलेबल होता है आपके पास। और उसके बाद जो आपके पास, हम थोड़ा सा आपको बता दें जो ट्रीज के बारे में, पेरिनियल्स के बारे में हमने इस किताब में विस्तार से बताया बच्चों को, क्योंकि ये ऐसे आप डे टू डे लाइफ में पूछ सकते हैं कौन कौन से पेड़ होते हैं, क्लाइंबर्स कौन से हैं, ट्रीज कौन से, स्टब्स कौन से हैं, और क्लाइंबर्स का भी पर्पज क्या है। तो जैसे फॉलिएज ट्री कौन कौन से हैं जिनमें से पत्तियां होती हैं, फूल नहीं मिलते हैं, वो फॉलिएज ट्री कौन से हैं, कौन से ट्री ऐसे हैं जो फ्लावरिंग ट्री हैं जिससे हमें फूल प्राप्त होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल होते हैं, और फ्रूट ट्रीज कौन से, और मेडिसिनल ट्री है जैसे बेल है, और आपका अर्जुन है, और आप नीम है, ये सब मेडिसिनल प्लांट है, इनके बारे में विस्तार से जानकारी आपको हमने किताब में दी है। जब बच्चे पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद एवरग्रीन नेचर के जो होते हैं, जो साल भर पौधे हरे रहते हैं जिनमें पत्तियां नहीं झड़ती हैं, वो पौधे अलग हैं। कुछ डेसिडुअस पौधे होते हैं जैसे जिनमें पत्तियां एक साल में झड़ती हैं, दोबारा फिर नई पत्तियां उसमें आती हैं। तो इनके हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है कि कौन कौन से श्रब्स हैं, फ्लावरिंग्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और हैं। और इस हिसाब से जो फ्लावर्स के बारे में बता रहे हैं, बोगनविलिया है, आलमेंडा है, ये सभी झाड़ीदार पौधे होते हैं, और रेड फ्लावर है, और नेरियम है, कनेर जिसे कहते हैं, इन पौधों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जो आपको आम तौर पर हर जगह देखने को मिल जाते हैं। ये आपको रात की रानी है आपका, और दूसरी बार कामनी है, जो मत कामनी है, जैस्मिन ग्रुप का पौधा है, म्यूसेंडा है, जिस तरह का पौधा देखते हैं जिसमें रेड कलर के और कई तरह के फ्लावर्स आते हैं। ये पौधे ऐसे हैं चाहे वो हम होम गार्डन हो, अपने घर के लिए भी हो, इंडोर प्लांट्स भी हो, और आउटडोर्स के लिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये। तो इस तरह जो है इनके क्या क्या मेथड है, कैसे कैसे ग्रो करेंगे, इसके बारे में किताब में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। क्लाइंबर्स के बारे में जहाँ तक है, जो लताएं होती हैं, लताओं का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, हम घर में अपनी बिल्डिंग पे भी ग्रो कर सकते हैं, या कोई और पौधा है उसके सहारा देके हम उन पर ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो फूलदार लताएं होती हैं, कुछ लताएं ऐसी होती हैं जिसमें पत्ते मिलते हैं, तो क्रीपर, टूनर, इनकी अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन क्लाइंबर्स के प्रकार दिए गए हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं। तो कुछ क्लाइंबर्स होते हैं सोई होते हैं, क्लाइंबर्स और फॉलिएज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेंट के लिए यूज सकते हैं,
कुछ पार्शियल सेट में अच्छे होते हैं, कुछ हैवी क्लाइंबर्स होते हैं जो बहुत लंबाई और बहुत ऊंचाई तक वो ग्रो कर सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी आप नीचे लगाएंगे तो ऊपर स्टोरी तक वो पहुंच जाएंगे। तो हेज के लिए कौन से हैं, तो इंडोर गार्डन के लिए कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो इंडोर गार्डन के हिसाब से देखा जाए तो जो घरों में पौधे लगाते हैं जिसमें एग्रोनीमा एस्पेरेगस है और कैलेथिया है और मरांटा है, मोनेस्ट्रा है, ये ऐसे पौधे हैं जो इंडोर प्लांट्स के लिए जनरली यूज कर सकते हैं, जो शेडी नेचर के पौधे होते हैं, कम केयर में आसानी से ये हम कर सकते हैं, अपने घर का वातावरण भी शुद्ध कर सकते हैं और हमें क्रिएटिविटी भी पैदा कर सकते हैं और देखने में सुकून भी मिलता है और हेल्दी लाइफ के हिसाब से। तो ये डिफरेंट तरह के प्लांट्स के बारे में हम आपको जानकारी दी है। और उसके बाद बोनसाई, बोनसाई के बारे में जानकारी दी गई है क्योंकि हम पौधे बनाते हैं तो बोनसाई बनाते हैं एक पौधे को, उसमें एक गमले में है 20-25 साल 50 साल पुराना पौधा भी बोनसाई का पौधा तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो है हार्वेस्ट एंड वैल्यूएशन, तो किस किस पर्पज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, पौधों का हम या फूलों का यूज क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इनको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन से हमें अच्छी प्राइस प्राप्त होती है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने इस यूनिट में विस्तार से जानकारी पोस्ट हार्वेस्ट एडिशन के बारे में बच्चों को दी है, कैसे पैकेजिंग करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे उनकी और किस प्लेस पर मार्केटिंग, किस कहाँ किस अकेजन पर कौन से फ्लावर का उपयोग हम ज्यादा कर सकते हैं उनके बारे में जानकारी हमने दी है। जैसे बुके है, गार्लैंड है, वेनी है, गुलकंद बनाते हैं, रोज वाटर बनाते हैं, ड्राई फ्लावर का यूज कर सकते हैं, तो फ्लावर अरेंजमेंट का डिफरेंट बुके ओके बनाते हैं इनका यूज कर सकते हैं। फिर जो हम पूरी प्रक्रिया करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं, तो उसमें सेफ्टी की बात है जहाँ तक, तो सेफ्टी मेजर के बारे में बताया कि आपको केमिकल का कैसे डील करना है हमें, और आपका जो और है हेल्थ एंड हैजार्ड्स हैं, या हमें कोई काम करना है तो ग्लव्स है, ड्रेस है, इन सब के बारे में है। यदि हम केमिकल का यूज कर रहे हैं तो हमें गोगल से चश्मा यूज करना चाहिए, हाथ में ग्लव पहन लेना चाहिए, तो क्योंकि सेफ्टी मेजर्स हैं, क्योंकि सभी जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो बड़े हार्मफुल होते हैं, उनका हमें कैसे कैसे यूज करना है, इन बारे में कौन कौन से हमें केमिकल्स को कैसे कैसे प्रिकॉशन लेने हैं, इन बारे में विस्तार से जानकारी हमने बच्चों को बिल्कुल दी है। बहुत कमाल की जानकारी थी और इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि आप वैसे आपके पास एक जो नॉलेज है उनसे बियॉन्ड जाकर आपने इतनी सारी जानकारियाँ हमारे बच्चों को प्रदान करी, कौन कौन सी क्या क्या तापमान होना चाहिए, किन किन मुख्तलिफ प्रकार के जो फ्लावर्स थे, कल्टिवेशंस कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए और कहाँ कहाँ किस किस तरीके के फ़ायदे हो सकते हैं, इस पूरे सेशन में हमने तफसील से समझने की कोशिश की। इस सेशन को और भी आगे बढ़ाया जा सकता था लेकिन मजबूरी यही है कि समय के साथ हम चल नहीं सकते, जब तक है तब तक हम कर सकते हैं, लेकिन यस डॉक्टर पाठक इतने खूबसूरत सेशन के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने के लिए, आपके इस कीमती वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाकी जानकारी किताब में अवेलेबल है, बच्चे देख सकते हैं बड़े आसानी से। निश्चित रूप से और भी सेशन अगर हमें लगेगा कि हो सकते हैं तो जरूर हम इस पर और भी सेशन अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सारे दर्शकों का हमारे साथ जुड़ाव के लिए और देखते रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।